क्या चाचा, तुम खेत में काम कर रहे हो, तुम्हारे बेटा विदेशवासी आ गया है। कहा, मेरा लल्ला विदेशवासी आ गया है? हाँ चाचा, मैंने सुना विदेशवासी जॉम्बी बन के आया है वो। कहा, जॉम्बी वा? हाँ चाचा, उसे पूरे गांव वालों को जॉम्बी बना दिया है। रमेशवा की बात में दम लागत है, लगता है लल्ला विदेशवासी जॉम्बी वा बनाने का काम सीख कर आया है। चल गोपी चाचा चल, नहीं तो लल्ला नाराज हो जाएगा। ओहो, तो ऐसे बनकर आया मेरा लल्ला जॉम्बी वा। पूरे गांव को जोंबिया बनाकर अपने बापू का नाम रोशन कर दिया रे, मुझे गर्व है तेरे पे। गोपी चाचा इतने दूर हट जाइए, अगर इसने काट लिया तो तुम भी जोंबी बन जाओगे। क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ इससे दूर हट जाइए, अगर इसने काट लिया तो आप भी जोंबी वायरस का शिकार हो जाओगे। अरे मैं क्यों इतनी दूर, मेरा लल्ला है आज विदेश से आया है, मैं तो ऐसे रहूंगा। मच दो तू देख रहा है लल्ला। साला अगर पहले ही पता होता कि ये जोंबी वायरस इतना खतरनाक होता है तो इस गोपी चाचा के लड़के मिथिलेश को गांव में घुसने से पहले ही टपका दिया होता। खैर ये सब छोड़ो, जो होना था वो हो चुका, अब हम लोगों को आगे की तैयारी करनी चाहिए। वो कैसे? हमारे गांव में लगभग छोटे से लेकर बड़े तक सभी इस जोंबी वायरस का शिकार हो चुके हैं। अब बाकी जो कुछ लोग बचे हैं उन लोगों को हमको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना होगा। सर, पहले उनकी छोड़ो, हमें तो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो, वरना अगला नंबर अपना ही होगा। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, वो गोपी चाचा के लौंडे ने पूरे गांव को जोंबी गांव बना दिया है और अगला नंबर शायद अपना ही होगा। क्या? गोपी चाचा की लड़के की मार्की अली। सर मैं तो मजाक कर रहा था। शट अप, यह पूरा गांव जोंबी वायरस के चंगुल में फंस चुका है और तुम लोगों को अभी भी मजाक सूझ रहा है। जब तक मैं इनको रोकता हूँ।
जल्दी निकल जाओ। तुम लोगों ने एक बात नोटिस की? यस सर। यही कि गांव में ये ज़ॉम्बी वायरस लेकर कौन आया? ये लो। नहीं, यही पता नहीं ज़ॉम्बी वायरस लाया कौन और बनने चले लीडर के फ्लैट। बेन के लोड़े, चुप बैठ जा वरना यही गरम डंडा तेरी गांड में डाल के घुमा के रख दूंगा। सर, गांव में ये वायरस गोपी चाचा लड़का मिथिलेश लेकर आया था और उसने हमारे पूरे गाँव वालों को ज़ॉम्बी बना दिया और वो अब हमको गांव में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। सर, मुझे दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला लग रहा है। हाँ, कब से मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। सर, ये सब तो ठीक है पर अपने कहीं चावल जल के काले ना हो जाए। हाँ सर, मुझे भी कब से जलने की खुशबू आ रही है। साले ये कभी नहीं सुधरेंगे। सर, अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है बल्कि उस गुस्से को थूक कर उस गोपी चाचा लड़के का पता लगाने का टाइम है। क्या पता है सबके पीछे उसी का हाथ हो। तू सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ सर, चलो अब काफी रात होने वाली है सर, अब सोने की इंतजाम करते हैं। चल ठीक है, आ जा। उठ गए तुम लोग? आज हम लोगों को ज़ॉम्बी का गेटअप लेके काम में चलना होगा। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को गोपी चचा के लड़के मिथिलेश का पता लगाना है कि आखिर वो गया कहाँ पर। ज़ॉम्बीज, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? तो सर कुछ की जगह क्या बोलेंगे? पाक बे भोसड़ी के, ये रील्स देखना बंद कर और मेरी तरह ज़ॉम्बीज बनके मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ठीक है सर, आ जाओ। सर परफ्यूम लगा के आए तभी सारे ज़ॉम्बी इन्हीं को सूंघ रहे हैं, तो ये गलत बात है सर। फिर माधव चोद ने 12 बजवा दी। सालो, तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। सर ये सब छोड़िए, वो सामने देखिए। सामने क्या, तेरी मां शुदा? अबे साले, ये कौन है जो पिछवाड़े में लुल्ली डालने के बजाय इंजेक्शन लगा रहा है? सर ये तो गोपी चाचा का लौंडा है। हाँ सर, और उसको ध्यान से देखिए, वो लुल्ली नहीं, वो इंजेक्शन में खून डाल के लेके जा रहा है। चलो पता करते। अबो ये क्या कर रहा है?
रुक। साले बता कौन है तू? बता कौन है और क्या कर रहा था यहाँ पर? छोड़ोगे तभी तो बताऊंगा। और बता उस जोंबी के साथ क्या कर रहा था तू? मैं एक साइंटिस्ट हूँ और इन सबको जोंबी बनाने के पीछे मेरा ही हाथ है। क्या इन सबको जोंबी बनाने के पीछे तेरा हाथ है? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे गांव वालों की जमीन पर कब्जा करना था ताकि मैं उसमें एक अपना बड़ा सा लैब बना सकूं और उसमें बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकूं और उस जमीन पर जहरीले पेड़ उगाकर उन पेड़ों से औषधियां बनाकर देश विदेश में बेचकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकूं। मुझे शर्म आती है तुम्हें साइंटिस्ट कहने पर। तुमने अपने फायदे के लिए एक हंसते खेलते पूरे गांव को तबाह करके रख दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर आज के एक साल पहले मैं इस गांव में आया था इस जमीन को खरीदने, पर इस गांव के मुखिया ने इस गांव से मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और तभी से मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस गांव की जमीन पर अपना एक बड़ा सा लैब बनाकर रहूंगा। फिर मैंने दिमाग लगाया क्यों ना एक ऐसा वायरस तैयार किया जाए जिससे पूरा गांव खत्म हो जाए। फिर मैंने एक ऐसा वायरस बनाया जिसका एक डोज एक व्यक्ति को खतरनाक ज़ॉम्बी का रूप दे सकता था और मुझे ये डोज गांव के किसी व्यक्ति को लगाना था ताकि वो ज़ॉम्बी बनके पूरे गांव को ज़ॉम्बी बना सके। और इस काम को आसान किया गोपी चाचा के लड़के मिथिलेश ने। कैसे? एक दिन मिथिलेश मेरे पास काम की तलाश में आया और मैंने उसको अपनी लैब में काम पर रख लिया और गोपी चाचा को बोल दिया कि आपके बेटे को मैंने विदेश भेज दिया। और कुछ दिनों के बाद जब उस वायरस का एंटीडोज तैयार हो गया तो मैंने मिथिलेश के लगाकर उस एंटीडोज का असर होने से पहले ही मैंने उसे गाँव में छोड़ दिया ताकि वो पूरे गांव वालों को उस वायरस का शिकार बना सके। और उसने ऐसा ही किया, पर पता नहीं तुम लोग कैसे बच गए। हम तो बच गए, पर अब तू नहीं बचेगा। बता अब इन सबको कैसे ठीक करें? रुको बताता हूँ। मुझे एक जिंदा ज़ॉम्बी का खून चाहिए होगा जिससे मैं एंटीडोट तैयार कर सकूं। क्या जिंदा ज़ॉम्बी का खून लेकर आना है? पर ये करेगा कौन? सर आप करोगे? मैं करूंगा। देखो देखो अब तो सर भी बोल रहे मैं करूंगा। अबे भोसड़ी को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमेशा मैं ही क्यों आगे जाऊँ, तुम लोग क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे सर कौन? आप। हमारे बाहुबली कौन? आप। हमारे कटप्पा मामा कौन? आप। हमारी महिष्मती माँ कौन? और सर आप ही तो बुद्धिमान ताकतवर शक्तिमान शुद्धगढ़ मतलब चतुर सर, और आप हमारे लीडर भी हो। लीडर गए हम आज चुदाने, तुम्हारे स्वागत वाले दिन भी मुझे आगे कर देना। बड़े आए मुझे आगे करने वाले। सर आपको ये करना ही होगा, नहीं तो पता नहीं ये वायरस और कितने लोगों की जान लेगा। पर मैंने ऐसा किया तो मेरी जान का क्या होगा? सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जान सुमित्रा का ध्यान में रखूंगा, बहुत प्यार करता हूँ मैं भी। अबे भोसड़ी के मैं अपनी जान की बात कर रहा हूँ ना कि अपने जाने मन की। और ठीक है तुम सब लोग मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो ये जोखिम उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मुझे इसके लिए कुछ तैयारियां करनी होगी। अब लग रही हूँ क्या एकदम ज़ॉम्बी गर्ल? सर ज़ॉम्बी गर्ल तो लग रहे हो, पर थोड़ा ध्यान से, ऐसा ना कि ज़ॉम्बी आपको पसंद कर ले। हाँ, क्योंकि ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी गर्ल्स को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। अबे ये बकवास बंद कर और इंजेक्शन इधर दे, मैं जाके उसका ब्लड लेकर आता हूँ, मतलब आती हूँ। इधर दो।
साला अभी तक एक ज़ॉम्बी नहीं दिखा है, पता नहीं कहाँ गए आज सारे के सारे। दिख गया। देखो सर आ गए, और देखो सर अभी भी एक्टिंग में ज़ॉम्बीज की तरह चलते आ रहे। लेकर आ गए तुम जिंदा ज़ॉम्बी का खून? हाँ लेकर तो आ गया, पर पूरा पूरा। सर आप इतने आसानी से जिंदा ज़ॉम्बी का खून कैसे लेकर आ गए? लगता है लड़के का गेटअप काम आ गया है। काम तो आ गया पर मेरे नहीं, साला उस ज़ॉम्बी के काम आया है। साला ज़ॉम्बी नहीं था वो, जॉनी सिंह था। जॉनी सिंह था मतलब? मतलब ये है कि अगली बार लड़की तू बनकर जाना, पता चल जाएगा। ये सब छोड़ो और उस ज़ॉम्बी का खून इधर दो ताकि मैं उसका एंटीटोड तैयार कर सकूं। अबे सब लोग उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। और ये लो मैंने एंटीडोट तैयार कर लिया है। पर ये एंटीडोट ज़ॉम्बीज को देना कैसे? ये एंटीडोट उन ज़ॉम्बीज को तुमको किसी खाने के जिम्मे मिला के देना होगा, और ये सब मैं नहीं जानता कि तुम लोग कैसे करोगे। पर ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ये ज़ॉम्बीज को मिला के खिलाया जा सकता है? वही तो बिरयानी खुआ दे यार। इधर बिरयानी बढ़ रही है, किसको खानी है जल्दी आ जाओ।
देख रहो कितने खुश लग रहे ये लोग, पर तुमने अपने फायदे के लिए एक हंसते खेलते गांव को तबाह करने की सोची, और ना जाने इस वायरस की वजह से कितने लोग अपनी जान गवा बैठे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। तू दोबारा करने लायक बचेगा तब ना, क्योंकि मैं तुझे इन गांव वालों के हवाले करने जा रहा हूँ। अब तुझे वही सजा देंगे। चल।